रजत ने चाहे जो कराओ पहले पास्ट लाइफ, चाहे अच्छा कराओ चाहे बुरा कराओ। हेलो गाइस, तो एलवी सादो आए हैं रजत दलाल की सपोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में बिग बॉस में एक टास्क हुआ था जहाँ पर एलेक्स कौशिक ने रजत दलाल पर एक आरोप लगाया है कि रजत दलाल ने उन्हें गलत जगह पर टच किया है, और इसी बात को लेकर रजत दलाल को काफी लोग हेट करने लगे हैं, जिसके ऊपर एलवी सादो ने एक रिप्लाई दिया है। जरा देखो इस रिप्लाई वीडियो को। रजत ने चाहे जो कराओ पहले पास्ट लाइफ, चाहे अच्छा कराओ चाहे बुरा कराओ, वो चीजें साइड में करते हैं। इस टाइम ही इज इन बिग बॉस, और वहां पे जो टास्क चल रहा था, एक टाइम पे थोड़े टाइम बाद आपको एक लड़की उस पर एलिगेशन लगाती दिख रही है कि यहाँ टच कर दिया आपने मेरे, वहां टच कर दिया, ये क्यों करा, या आपने मेरे को पकड़ा कैसे, ये करा वो करा, इट्स सो रॉन्ग भाई। और उससे पहले खुद ही कह रही है मैं तो वो वाला कार्ड प्ले करूंगी, वो मैंने कार्ड प्ले करूंगी, मैं तो क्यों यहाँ कैसे टच किया वहाँ कैसे टच किया, मतलब जीतने के लिए। चलो जीत लो यार, जीत लो, जीत हार अलग चीज़ है, जीतने के लिए आप किसी को बदनाम कर रहे हो, वो भी ऐसा वैसा बदनाम नहीं कि भाई ये चुरा लिया वो चुरा लिया, इतना बड़ा इल्जाम होता है लड़की छेड़ने का। उसने जो कार्ड खेला कि मैं लड़की हूं, लड़की का नाम लेके, दैट इज रॉन्ग। बहुत लोगों ने जज कर लिया, मैंने देखे ट्वीट पे, ये तो देखो अभी लड़की असली रूप आ गया ना इसका सामने रजत का, ये तो लड़की छेड़ता। मैं हैरान हो गया, मैंने कह रही ये लोग जानबूझ के करते हैं, अपनी लड़की को डिफेंड करना चाह रहे हैं, किस कॉस्ट पे, किस कॉस्ट पे किसी एक इंसान को बदनाम करके, जो चीज उसने करी नहीं है। मैं रजत को पर्सनली भी जानता हूं, ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं करेगा अपनी लाइफ में, ना उसने कभी करा ना वो कर सकता। उस भाई की अपनी कमिटमेंट्स हैं, अपनी जगह जहां पे वो बहुत लॉयल है, और उसमें कोई शक नहीं है। मैं बैठा हूं उसके साथ, उठाऊं मैं इतना इंसान को मैं पहचान लेता हूं कि भाई साहब कौन सही है कौन गलत है, किन चीजों में कौन सही है कौन गलत है। तो मेरा बस इतना सा है कि भाई साहब सिर्फ एक छोटे से पार्ट देख के, कहीं छोटी क्लिप काट के चला दी, ये चला दी, उसके बेसिस पे डोंट मेक एनी जजमेंट्स, और प्लीज किसी का नाम खराब मत करो, चाहे वो लड़का हुआ चाहे लड़की हुआ, कुछ भी हुआ भाई, किसी का नाम बेफालतू में खराब मत करो। वो बड़े शो है यार, पूरे इतने लोग देखते हैं, किसी के दिमाग में बार छवि बनी रहेगी ना कि भाई लड़की छेड़ता, बहुत बड़ा इल्जाम होता है यार। अब तुम जो देख रहे हो, मान लो तुम पे कोई इल्जाम लगा दे तुमने कुछ करा नहीं, भाई साहब कितनी बड़ी बात हो जाएगी, मतलब क्या ही बताऊं मैं, नैरेटिव सेट हो जाता है इंसान के खिलाफ।